गुड आफ्टरनून एवरीवन फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल फिजिकल डेट आ चुकी है कि 15 अप्रैल से इसके फिजिकल हैं एसएससी जीडी के। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के फिजिकल हैं, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया है, बट शायद मंडे तक आ जाए, क्योंकि 10 से 15 दिन पहले तो ये रिजल्ट देंगे ही देंगे, ठीक है। अब जो ये टाइम लगा रहे हैं, इन्होंने फिजिकल की डेट तो दे दी लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, तो इनके मन में क्या चल रहा है वो तो यही जान सकते हैं, है ना। लेकिन हमें तो नोटिस मिल चुका है जो सरकार की वेबसाइट है उस पर कि फिजिकल 15 अप्रैल से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको बिना देरी के फिजिकल स्टार्ट कर देने हैं। फिजिकल में क्या क्या आएगा वो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि अगर अभी तक आपने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है तो फ्रेंड्स अब भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। देखो, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। 15 अप्रैल से डेट तो इशू कर दी है इन्होंने, दे दिया है। अब चाहे 15 अप्रैल से लें चाहे फिर 30 अप्रैल से लें, हमें तो जब ये कह देंगे हमें तो तभी रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप रेडी रहो एकदम, क्योंकि एग्जाम आप दे चुके हो और फिजिकल की वजह से आप रह जाओ तो फिर ये बहुत दुख की बात होगी। क्लियर हो गया? तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। चलिए देखते हैं फिजिकल में क्या क्या आएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो देखो, हम बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की लंबाई की। पहले रनिंग की बात करते हैं, तो रनिंग में 5 किलोमीटर मेल्स के लिए रनिंग कराई जाएगी 24 मिनट में, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में। वहीं पर फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में। क्लियर हो गया? तो रनिंग हो गई 5 किलोमीटर 24 मिनट बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। अब बात करते हैं लद्दाख क्षेत्र की। लद्दाख क्षेत्र है जो, उस वहां पर बच्चों के लिए रनिंग कितनी है, तो 1.6 किलोमीटर है 6.5 मिनट में। वहीं पर गर्ल्स के लिए, जो लद्दाख क्षेत्र की गर्ल्स हैं उनके लिए 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में, ठीक है, 4 मिनट में लद्दाख क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट जैसे जो देखो, हम जब हम अदर स्टेट बात करेंगे ना तो हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे, यानी उत्तर की और उत्तर पूर्व की क्षेत्रों की, लेकिन यहाँ पर हम सभी जो मतलब जो मध्य भारत के राज्य हैं उनके लिए चेस्ट बात करेंगे। तो 80+5 सेंटीमीटर बॉयज के लिए 80 होनी चाहिए नॉर्मल, फुला के 5 सेंटीमीटर यानी 85 होनी चाहिए बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए कोई चेस्ट नहीं होती। वहीं पर एससी स्टूडेंट के लिए जो बॉयज हैं उनके लिए 76+5 यहाँ पर चेस्ट होगी। वहीं पर अदर पहाड़ी क्षेत्र, अब मैंने अदर पहाड़ी क्षेत्र बोला है तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र जो है हमारे, उसमें 78+5 होनी चाहिए। वहीं पर गोरखा क्षेत्र वाले बच्चों के लिए 77+5 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट देखो, 170 सेंटीमीटर पुरुष के लिए हाइट होनी चाहिए। वहीं पर एसटी वाले बच्चों के लिए, यानी पुरुष हैं जो, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। और वहीं पर हम बात कर लें एसटी महिलाओं के लिए, तो उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, और बाकी जो अदर स्टेट हैं, जैसे अदर स्टेट का मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए कहीं 157, कहीं 160, कहीं 165 इस तरह से हाइट हो जाती है। फ्रेंड्स, आपके लिए जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट रही होगी, और मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को भी फिजिकल के बारे में नहीं पता होगा कि हम एसएससी जीडी का फिजिकल देने जा रहे हैं और उसमें पूछा क्या क्या जाएगा। उन्हें ये तो पता होगा कि रनिंग आएगी, लेकिन कोई सोच रहा होगा लंबी लॉन्ग जंप आएगी, हाई जंप आएगी, ये आएगा वो आएगा, लेकिन उन्हें प्रॉपर फिजिकल के बारे में नहीं पता होगा। चलिए, अब आपको पता चल गया, अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेशन में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।